हाँ भाई, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ ईएमवी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ईएमवी का जनरल जो हमने प्रोडक्शन किया वो कैसे किया था, एक्सेलरेटिंग चार्जेस के थ्रू। तो वन ऑफ द सोर्स कौन हुआ, एक्सेलरेटिंग चार्ज। लेकिन उसको भी अगर छोड़ दें तो मेजर सोर्स की बात करें तो हुआ क्या है, बेसिकली चार्ज जब रेस पर है तो क्या ईएमवी बन रही है, क्या नहीं बन रही? नो सर, सिर्फ क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन में आया तो क्या डायरेक्टली ईएमवी बनी, नहीं। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो सिर्फ प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट दे वर नॉट, इसमें से ये नॉन वेयरिंग है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा तो ईएमवी नहीं मिल रही। फिर हमने बोला कि अगर मोशन में हो और इस तरह से मोशन में हो कि एक्सेलरेटिंग हो, तो हमने बोला था कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये वेरी कर जाएंगे, और अगर ये वेरिंग सिचुएशन में होंगे, टाइम डिपेंडेंट होंगे, तो ही ईएमवी होगी। तो इसका मतलब ईएमवी का सोर्स कौन हुआ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या? तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ईएमवी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस, प्रोवाइडेड बोथ ऑसिलेशंस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड देन जनरेटेड ईएमवी विल बी प्रोपेगेटिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दियर ऑसिलेशंस। So, what are the sources of EM waves? Time varying electric field and magnetic field. है ना? Generally produced by accelerating charge. अच्छा, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं फेनोमेनन बताता हूँ कि क्या चीज, मतलब अगर उसको थोड़ा सा ऐसे ही देखा जाए तो क्या हो जाएगा। हमें पता है कि फैराडे लॉ बोलता है करंट अगर है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट स्टेडी है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। अगर करंट स्टेडी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। फैराडे लॉ क्या बोलता है, अगर करंट वेरी कर जाए, करंट जैसे जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वेरी कर जाएंगी, और इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हुआ चेंज तो जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर अभी भी करंट कंटिन्यूएशन में वैरी कर रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटिन्यूएशन में वैरी करेगा, जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस देखा। तो अगर मैं किसी तरीके से इंड्यूस ईएमएफ को भी वैरी करा दूं, तो मैक्सवेल ने जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल लॉ बोलता है कि अगर इलेक्ट्रो, अगर ईएमएफ में होगा चेंज, यानी कि फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होगा चेंज, तो क्या इंड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, तो उससे क्या जनरेट होती है, करंट, यानी कि ईएमएफ। भाई सबसे पहले हमने बोला, क्या बोला, करंट, करंट है वेरी कर रही है भाई, वेरिंग करंट, तो वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी ये वेरी करेगा, ये चेंज होगा, और अगर ये चेंज हुआ तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू आता है या किससे लिंक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये चीज दूसरा, ये किसने बोला, फैराडे ने बोला। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर
इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कर दो, फाई ई चेंज हो रहा हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये कंटिन्यूएशन में अगर चेंज होता रहे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने पर हमने बोल दिया कि अगर फिर से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड खुद वेरी कर जाए, वेरिंग, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये ईएमएफ इंड्यूस हो इस तरीके से कि ये खुद वेरी कर रहा है, ईएमएफ वेरिंग, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आया तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा हो तो ईएमएफ बन जाएगा, ईएमएफ चेंज हो रहा हो तो क्या ये चलता रहेगा प्रोसेस? तो एक बार अगर मान लो, एक बार मान लो कि अगर कोई चार्जेस एक्सेलरेट होगा स्पेस में, या एक बार कुछ ऑसिलेशंस को छोड़ दिया जाए, तो जिस टाइम पर ये देखो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ दिख रहा है, इसके ऑसिलेशंस अलग अलग है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है ना, यहाँ पे E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है, यहाँ मैक्सिमम है E0 है जिसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, E1 था तो यहाँ पर B1 आ रहा है, यहाँ B2 आ रहा है, यहाँ B3 आ रहा है, यहाँ B0 आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड वो खुद भी चेंज हो रहा है, तो इसने इसने एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, ये रहा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आने वाला है अपकमिंग, ये किसने बनाया है, किसने प्रोड्यूस किया है? इस मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज होने से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी चेंज हो रहा है तो ये आने वाला एक नया क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये खुद भी क्या हो रहा है तो फिर ये आने वाला एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो वेरी हो रहे होंगे। तो क्या स्पेस में हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में ईएम वेव्स प्रेजेंट होती? एक बार ये हो गया, एक बार वेव मिल गई, तो क्या ये खुद सेल्फ प्रोपेगेट होती रहेगी क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोपेगेशन मेथड। कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे तो वेरिएबल आने जो प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वेरिएबल, वो खुद एक नया वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता जाएगा। ये साइकिल गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, हमें कंटिन्यूएशन में ईएम वेव्स मिलती जाएगी। तो हमारा जो स्पेस है इट इज फुल ऑफ ईएम वेव्स, इजंट इट? समझ में आया इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? तो आगे बढ़ते जा, तो सोर्सेज ऑफ ईएम वेव्स क्लियर हो गए क्या? हु आर द सोर्सेज? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच दे देमसेल्फ वो एक्चुअल में कहां से जनरेट हुए थे? एक्सेलरेटिंग चार्ज से, है ना? वो खुद कहां से जनरेट हुए हैं? एक्सेलरेटिंग चार्ज से, मेन ये है। और वो उनका इन दोनों का खुद का प्रोडक्शन कहां हुआ है? एक्सेलरेटिंग चार्ज से। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक? जहां जहां जैसा जैसा चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है वैसा वैसा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, क्लियर? ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सेलेटिंग चार्ज के कारण आ रहे थे, तो चार्ज जिस तरीके से ऑसिलेट कर रहा हो ऐसे ऐसे कैसे भी सेम फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। सो क्या मैं बोल सकता हूं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव शुड बी The frequency of the accelerating charge, yes or no? तो क्वेश्चन आपके पास आया, what should be या the frequency of EM wave is equal to a movable inductor या कुछ भी ऐसा बोल दिया, एक ऑप्शन लिख रखा है accelerating charge, what should be the answer? Accelerating charge। EM wave की frequency किसके equal होगी?
एक्सेलरेटिंग चार्ज जिसके थ्रू ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन आए। दूसरा, अगर मैं पूछूं वेव ईएम वेव्स की एनर्जी इज कैरीड बाय किसके थ्रू, एक्सेलरेटिंग चार्ज। जो एनर्जी एक्सेलरेटिंग चार्ज की है उसकी किस वजह से ही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, है ना। तो ऑसिलेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होगी, पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी, ऑसिलेशन ऐसे ही चलते हैं ठीक वैसे जैसे पेंडुलम का होता है ना। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वाली पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, यहीं पे ऑसिलेशन चलते रहते हैं। सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज एंड दैट सेम एनर्जी विल बी कैरीड बाय द ईएम वेव्स। ईएम वेव्स कैरी करती जाएगी एनर्जी को आगे की तरफ, ये यहीं के यहीं ऑसिलेट होते रहेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर आगे होता जाएगा। इज दैट क्लियर? कितनों को ये पूरा समझ में आ गया, सोर्सेज ऑफ चार्ज, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सो देखिए, लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्टिंग ईएम वेव्स। जितना अभी तक हमने सीखा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा ऐसे हो गया, ये सब कुछ अभी माइंड में आप लोगों के चल रहा है, थोड़ा कुछ आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा कुछ नहीं समझ पा रहे। उन चीजों को हर्ट्ज ने कैसे एक्सपेरिमेंटली ईएम वेव को प्रोड्यूस किया और उसको डिटेक्ट किया, उस चीज को समझते हैं हम। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट है क्या है, चार्ज का ऑसिलेट होना, है ना। ऑसिलेशन होगा तो उसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी क्योंकि दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो डायरेक्शन में, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, या डायरेक्शन में, या दोनों में चेंज आ जाए। तो हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब क्या हुआ, हम क्या जनरली बोल रहे हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, तो हमने पहला एम माइंड में रख लिया, कैसे भी करके एक ऐसा एक्सपेरिमेंट का सेटअप करना है जिसमें चार्ज क्या हो जाए, ऑसिलेट हो जाए। ठीक है, चार्ज का ऑसिलेशन हमने कहीं पे देखा था क्या, इस पूरे इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने एसी पढ़ा था, कहीं पे चार्ज का ऑसिलेशन था क्या, कौन सा ऑसिलेशन था, एसएलसी ऑसिलेशन, बिल्कुल ठीक। कौन सा ऑसिलेशन था, एलसी ऑसिलेशन। क्या सीखा था उसमें एलसी ऑसिलेशन में, आपने एक बार कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, फिर डिस्चार्ज हो रहा था, फिर नेक्स्ट तरफ चार्ज हो रहा था, फिर डिस्चार्ज हो रहा था, ऑसिलेशन चलता जा रहा था। इसका मतलब हमें ऑसिलेशंस में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एल एंड सी की। एलसी ऑसिलेशंस में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। ठीक है, यही था कुछ, ऐसा ही कुछ डायग्राम था, है ना। इसमें हम बोलते थे कि भाई हाफ के अंदर इधर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर नेक्स्ट हाफ में जब ये पूरा कांस्टेंट हो जाता है तो फिर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होना चालू हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे ये खत्म हो रहा होता है और इधर की तरफ चार्ज बढ़ना चालू हो जाता है, ऐसा कुछ देखा था हमने। फिर ये नेगेटिवली इधर की तरफ चार्ज, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे ऐसे कुछ देखा था, समझ में आती है बात। ठीक है, तो यही एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन में दो बेसिक कॉम्पोनेंट है, एक है कैपेसिटर और एक है इंडक्टर, बोले तो कॉइल, दो मेन कंपोनेंट है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज, और इनको अगर इनपुट दे दिया जाए किसी तरीके से, शुरू में एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दो, या कैसे भी पहले आप इनको कनेक्ट करके इनको एक इनपुट दे दो जिसमें कैपेसिटर चार्ज होता रहे, फिर वो एलसी ऑसिलेशन होता रहे। जो कैपेसिटर होता है ये क्या चीज है, इनकी दो डंडे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो दो डंडे हैं कैपेसिटर के, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज है ये, चार्ज का क्या है ये, अरे यार भोंड दिमाग हो, क्या चीज है ये चार्ज, ये कैपेसिटर की ये दो चीजें, ये क्या है, प्लेट्स, सिंपल। तो हमें चाहिए दो मेटेलिक प्लेट्स, क्या चाहिए, दो मेटेलिक प्लेट्स, और उसको किसे कनेक्ट करवाना है, इंडक्टर से। बस हर्ट्ज ने भी ये कर दिया, देखो कैसे किया, ये ले ली। अब जो उसने एक्सपेरिमेंट किया वो डेटा बता रहा हूं मैं आपको, है ना। उसने एक स्क्वायर प्लेट ली, एक नहीं मतलब दो स्क्वायर प्लेट ली, जिसकी हर एक साइड कितने की है, 40 सेंटीमीटर की,
ये एक प्लेट ले ली और ये दूसरी प्लेट ले ली, इससे इस प्लेट से एक थिक वायर कनेक्ट कर दिया और ये जो प्लेट बनी हुई है ये ब्रास मेटल की बनी हुई है दोनों ही, ठीक है 40 सेंटीमीटर थिक, ओ सॉरी 40 सेंटीमीटर साइड। यहां से ये इसके ये जो दो एंड्स हैं यहां पे जो मैं गोल गोल बना रहा हूं ये ब्रास का हाईली पॉलिश्ड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। जब मैं समझाऊंगा तो इसकी जगह मैं इसको ज्यादा बेटर मैं अच्छा मानता हूं कि यहां पे भी आप ये अज्यूम करें एक छोटी सी प्लेट है लिया, स्फेयर है जो इजीली समझ में आपको बाद में आएगा, उसको ये मानो कि यहां पे दो क्या है प्लेट्स लगा रखी, यानी कि दो ओपनिंग दे दी। पहले तो ये दो प्लेट्स ली, उससे ये एक वायर कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही एक और प्लेट ली और उससे ये वायर कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच में मैंने क्या रखा है, ये एक्चुअल में ये एंड पॉइंट्स क्या है स्फेरिकल। अभी मैं समझने के लिए मान रहा हूं कि इनके बीच में ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, यहां पे मानो एक और छोटी सी प्लेट लगा दी, इसके यहां पे भी एक छोटी सी प्लेट लगा दी, जिससे समझने में बाद में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा साहब, अब मैंने क्या कर दिया, ये इस यहां पे ले ली एक मैंने कॉइल, इंडक्टिव कॉइल यानी कि इंडक्टर, इंडक्टिव कॉइल ऑफ वेरी लो इंपेडेंस या वेरी लो रेजिस्टेंस। तो L की वैल्यू जो है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। इस वायर को का एक एंड इसके एक इंडक्टर की तरफ से कनेक्ट कर दिया, ये इस तरह का कुछ चल रहा होगा, तो एक ये इधर कनेक्ट कर दिया और एक एंड इधर कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, यहां पर समझ में आ गए, क्लियर है। इसको बोल देते हैं हम एक को S1 और एक को S2, S1 स्फेयर S2 स्फेयर, और इस इंडक्टर को हमें क्या देना था, वोल्टेज देना था जिससे चार्ज होता रहे, चार्जिंग होती रही। तो हम यहां पे यहां कैसे इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनपुट वोल्टेज। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये कुछ नहीं, ये एसी सोर्स मैंने यहां लगा दिया, ये देखो ये इनपुट वोल्टेज कनेक्ट हो गए। अब जैसे ही इनपुट होगा एक हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, एक प्लेट चार्ज होगी, एक पर आता जाएगा क्या पॉजिटिव और एक पर आता जाएगा नेगेटिव। ये जो गैप है इन दोनों के बीच का S1 और S2 का, ये एक जो गैप है ये बहुत कम है, बहुत ही कम है। अब इसको दूसरे तरीके से समझना, ये मैंने एक मेटालिक रॉड ले ली, उसमें अज्यूम करो कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या अज्यूम करो एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको मैं एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं, किससे कनेक्ट कर रहा हूं एसी सोर्स से। अभी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह की सोचने की जरूरत नहीं, मैंने बोला है एक कंडक्टिंग मीडियम है जिसमें अभी सिर्फ कितना है एक इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसे ही मैंने यहां पे स्विच ऑन कर दिया आपका क्या ख्याल है क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा चार्ज कौन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर इसको प्लस मान लो तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी उसमें ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, तो अब इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, नीचे, ऊपर से नीचे, फिर वापस नेक्स्ट में ये क्या ये इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन ऑसिलेट होना चालू हो गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी, समझ में आ गया क्या, ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया क्या, कि चार्ज ऑसिलेट कैसे कर रहा है अप एंड डाउन, एक इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हाँ कि ना,
एक चार्ज रुका हुआ है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखता है। इस चार्ज को मैं मोशन दे दूं तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो मूव हो रहा है कॉन्स्टेंट तरीके से, और इस चार्ज को मैं एक्सेलरेशन दे दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वैरी कर जाएगा। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी डेवलप होगा वो वैरिंग होगा। तो मैं इससे एसोसिएटेड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मैं वो बोल दूं क्या कि वो भी ऑसिलेट कर रहा होगा, वैरी कर रहा होगा, हाँ कि ना? जल्दी जल्दी। तो एक बार प्लस इधर हो रहा है, एक बार माइनस इधर हो रहा है, तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, क्या यही ई है? और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ सेटअप हो रहा है, क्योंकि इधर प्लस हो चुका होगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो एक बार तो हुआ प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। एक बार हुआ माइनस माइनस प्लस प्लस, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना, और ये कंटिन्यूएशन में ऐसे होता जा रहा है। जल्दी से बताओ, अगर इसी सिचुएशन को बोर्ड के मान लो एक्स वाई प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में हो गए? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन। क्या चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है ये करंट जनरेट कर रहा है? करंट जनरेट कर रहा है, वो सीधी डायरेक्शन में कर रहा है ना? चार्ज का फ्लो करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। अगर करंट सीधी है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सर्कुलर। अगर करंट सीधी है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। तो क्या इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गया क्या सर्कुलर फॉर्म में, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। यस तो इधर तो ही, ऊपर तो ही डायरेक्शन ऑफ आई, ये आई की डायरेक्शन है बिकॉज ऑफ चार्ज का फ्लो। ये चार्ज का फ्लो हमें बताए एफ इज इक्वल टू क्यू ई। चार्ज हमेशा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ होता है, नेगेटिव होता है तो टुवर्ड्स होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में हो चुका है और इसके चारों तरफ। तो ये ई वाई, ई जो ई वेक्टर है वो बेसिकली कौन सा ऑसिलेशन दे रहा है? ई वाई जे कैप, है ना? जे कैप नहीं बोलूं क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ई का, ई के ऑसिलेशन की तरह ई वाई प्लस माइनस जे कैप। इसके कारण चार्ज का फ्लो करंट और करंट का जनरेशन, करंट खुद वेरी कर रही हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूएशन में कम ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा चार्ज होता ऊपर जाता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होता जाएगा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वो फिर से इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करवा देगा इसको। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये कौन से प्लेन में आया है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में जनरेट हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट थी एक लाइन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट हो रहा है? इसके एग्जैक्ट प्लेन में, है ना? ये अगर आई की डायरेक्शन वाई में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कौन से प्लेन में हो रहा है? ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, एग्जैक्ट में, ठीक है? तो ध्यान से समझे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन इस टाइम पर कहां कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी और जेड डायरेक्शन के अलोंग भी, है ना? अब कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब जनरेट होती है? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। तो इसमें बी जेड भी था और बी एक्स भी था। क्या ये बी एक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना पाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बना पाएगा क्या? यस सर, बना देगा, बिल्कुल बना देगा। इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर आएगी? जेड डायरेक्शन। आई और ई है वाई डायरेक्शन में, बी है एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर आ गई? जेड डायरेक्शन। और अगर मैं जेड वाला पूछ लूं तो इसके और इसके कारण मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किधर बनेंगी? एक्स डायरेक्शन। तो जिस टाइम मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, तो उस टाइम मुझे कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करना है मैग्नेटिक फील्ड का? जेड। जेड,
तो उस टाइम पे एक्स का काम नहीं है। उस टाइम जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही होगी, क्या वो बी एक्स के कारण प्रोड्यूस हुई होगी? क्या नहीं? किसके कारण प्रोड्यूस हुई होगी? बी जेड के कारण। ये कॉन्सेप्ट माइंड में फिट कर लो, समझ में आ गया क्या? थे दोनों में ही, लेकिन प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई? बी जेड के कारण। तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि चार्ज के ऑसिलेशन से हमारा काम आसान हो गया क्या? बी जेड मिल गया क्या हमें? बी जेड मिल गया तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जानी चाहिए क्या? आ जाती। तो यहां पर ये जो गैप दिख रहा है इसके अंदर अप एंड डाउन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गैप बहुत कम है और हमने वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दे दिया हाई, इस वजह से क्या हो गया S1 और S2 के बीच में जो गैप था वहां अच्छा खासा प्लस माइनस का डिफरेंस आने के कारण जो भी बीच का गैप था उसकी गैसेस क्या हो चुकी हैं? आयनाइज्ड, है ना। उसकी वजह से यहां पर चार्ज क्या आसानी से इस गैप में ही, कम गैप में, ये गैप है 2-3 सेंटीमीटर का और ये डिस्टेंस रखी थी हर्ट्ज ने 60 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड है 40 सेंटीमीटर की और ये जो गैप है वो है कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर, समझ सकते हो, बहुत छोटा गैप। तो उतने में अगर मैं इसके अक्रॉस 2 सेंटीमीटर के अक्रॉस बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दूं तो इसके बीच में आने वाली जो मॉलिक्यूल्स या गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी? आयनाइज हो जाएंगी। तो उसके चार्जेस क्या होते रहेंगे? हर बार फ्रीक्वेंसी हाफ साइकिल में चेंज होती जाएगी तो क्या चार्जेस अप एंड डाउन होते रहेंगे, वाइब्रेशंस होते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वैरी किया तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर जाएगा। इन दोनों के वैरी करने से एक वेव बननी चाहिए। अगर वेव बनती है तो हर्ट्ज ने कहा इसको मैं डिटेक्ट कैसे करूं? उसने डिटेक्शन के लिए क्या किया साहब, यहां पर इसके सामने, इस ओपनिंग के सामने जो मैंने एक छोटी सी प्लेट आपको बोला समझने के लिए, इसी के सामने एक वायर लिया। अब यहां पे भी उसने ये स्फेयर से लिए, मैं समझाने के लिए आपको प्लेट्स बना रहा हूं, और एक थिक वायर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ले लिया। उनका गैप और इनका गैप ऑलमोस्ट बराबर है या इसका कम है? दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसने देखा कि अगर ईएम वेव आई है तो एनर्जी लेके आ रही होगी, और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इसके अंदर एनर्जी होगी, तो यहां पर वो एनर्जी पता चलनी चाहिए। और एनर्जी किस टर्म्स में पता चलेगी? वेव्स की टर्म्स में। और वेव्स अगर यहां ऑसिलेट हो जाए, यहां पे जो भी वेव्स आएगी ये भी कंडक्टिंग है, तो क्या एक शॉर्ट सर्किट यानी कि एक स्पार्क डेवलप होनी चाहिए? ये कंडक्टिंग वायर है। कैसा वायर है? कंडक्टिंग वायर, टूटा हुआ, यानी कि हमने एक वायर का सर्कल लिया, बीच में से कट कर दिया, रिंग ली, बीच में से जस्ट कट कर दी, वो जो छोटा सा माइन्यूट सा गैप बना, तो वहां पर अगर ये ईएम वेव पहुंच रही है तो ये ईएम वेव यहां पर क्या करेगी? डेवलप एक स्पार्क। अगर ये स्पार्क डेवलप हो रही है तो हमने कहा कि वाकई में ईएम वेव पहुंची। अच्छा, इसका दूसरा फायदा अब होता क्या, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस से समझो। अगर मैंने इनको ये दोनों ओपनिंग आमने सामने रख रखी है ऐसे पैरेलल, अगर मैं इस एक ओपनिंग के परपेंडिकुलर दूसरे को कर दूं तो ईएम वेव का डिटेक्शन बंद हो जाता है। कैसे? ये देखो, ये वाले की जगह मैंने अगर ऐसी कुछ सिचुएशन ले ली होती तो देखो यहां पर ईएम वेव पहुंच रही थी, लेकिन ये इस प्लेट के इधर पार नहीं हो पाती, इसमें एंटर नहीं कर पाती, इसमें जगह है, इसमें से तो आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में ये चल रहा है ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन चल रहे हैं वाई डायरेक्शन में, इधर जो आ रही है ये जेड डायरेक्शन, इसकी वजह से ईएम वेव के ऑसिलेशन किधर जा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन वाले सेम ओपनिंग होने के कारण पास हो गई, लेकिन जैसे इसको इसके परपेंडिकुलर कर दिया ये पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई। ये ब्लॉक होना यहां पे शो कर रहा था कि इसमें स्पार्क नहीं मिल रहा था, ये एक्सपेरिमेंटल पे बता रहा हूं जॉर्ज ने ऑब्जर्व किया। इसका मतलब अगर यहां पर चारों डायरेक्शन में वेव होती तो क्या यहां पर भी वेव आ जानी चाहिए थी? इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं क्या कि वेव यहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में? इससे पता चलता है कि ये वेव पोलराइज हो गई है। ऑल्दो आपके इस साल वेव ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट था पोलराइजेशन, जो इस साल के लिए भी हटाया गया, तो पोलराइजेशन में हम ऐसे डिटेक्ट करते हैं कि केवल एक ही डायरेक्शन के
चारों तरफ अगर कोई वेव्स जनरेट हो रही होती है सभी ऑल डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव। उसको अगर किसी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के थ्रू पास करवा दें तो उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर, ये मैंने जो लाइनिंग्स बनाई है इसके बीच का स्पेस है, इसमें से सिर्फ कौन से वाइब्रेशंस पास हो पाएंगे जो इसके पैरेलल होंगे। तो इससे बनने वाली जो वेव होती है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव। अनपोलराइज्ड वेव पोलराइज हो गई, केवल एक ही डायरेक्शन के पास हो पाए, ठीक है। इसको घुमा दूंगा तो फिर जिस डायरेक्शन के पैरेलल होगी सिर्फ उसी के, समझ में आता है। लेकिन अगर यहां पर एक और सामने ऐसा का ऐसा रख दिया जाए, ध्यान से समझना, इसको मैं इधर घुमा दूं तो ये वाले वाइब्रेशंस इससे पास हो जाएंगे, इसको ऐसे लेटा दूं तो ये वाले वाइब्रेशन इनमें से पास हो जाएंगे, समझो। ये वाले वाइब्रेशंस को अगर मैं इस पूरे को घुमा के ऐसे रख दूं तो कौन से वाइब्रेशंस पास हो जाएंगे। इसका मतलब हमेशा अगर कोई चारों तरफ वाली लाइट है वो इसको कहीं पे भी रोटेट कराओ तो हमेशा पास होगी। लेकिन अगर एक ही टाइप के वाइब्रेशंस आ रहे हो और वो इसी में से पास हो सकते हैं, इसको ऐसे मैंने लेटा दिया तो इसकी ओपनिंग तो ऐसे हो गई, वाइब्रेशंस हैं ऐसे, ये इसमें से पास नहीं हो सकते। ये नेचर शो करता है कि ये वाली वेव पोलराइज्ड वेव है, ये अनपोलराइज्ड है। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, लीव इट, ठीक है। यहां पे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इसकी ओपनिंग से पास हो रहे थे, इसको ऐसे रखा तो यहां टकरा गई, ब्लॉक हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिटेक्शन नहीं हुआ। सो दिस वायर हैज बीन यूज्ड फॉर डिटेक्शन। यहां से हुआ प्रोडक्शन, किस वजह से हुआ, ड्यू टू चार्ज ऑसिलेशंस। तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, पहला कि व्हेनेवर देयर इज सम ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सेलरेटिंग चार्ज, ईएम वेव इज प्रोड्यूस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ द फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इट विल बी डिटेक्टेड हियर एंड इफ दिस वेयर द ओपनिंग ऑफ बोथ द स्फेयर्स S1 S2, उसको भी आप S1 डैश S2 डैश दे दो, ओपनिंग आप पैरेलल टू ईच अदर, देन द वेव्स वुड बी डिटेक्टेड। इफ दे विल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर नो ईएम वेव वुड बी डिटेक्टेड। हेंस वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पोलराइज्ड इन नेचर एंड दोस वेव्स व्हिच आर पोलराइज्ड इन नेचर शोज द ट्रांसवर्स नेचर। कौन सा नेचर शो करती है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शुड बी। एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई दो तीन चीजें, प्रोडक्शन करवा दिया, डिटेक्शन करवा दिया, नेचर बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं एक्सेलरेटिंग चार्जेस के थ्रू जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहे हो, दूसरा डिटेक्शन हम कर सकते हैं, तीसरा नेचर क्योंकि यहां पर ये उससे ब्लॉक हो जा रही थी, पोलराइज होनी चाहिए। पोलराइज वेव्स जो होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को किसकी जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम की। इसका मतलब लाइट कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो लाइट में दोनों टाइप के फील्ड प्रेजेंट होने चाहिए, वो दोनों फील्ड आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। लाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट अ लाइट, लाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसी तरह की बहुत सारी वेव्स होती हैं जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये विजिबल लाइट, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स। कितनों को यहां तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया साहब।